वेलकम वेलकम टू माई YouTube चैनल आई कुक इट। आज जो रेसिपी लेके मैं आपके सामने हाजिर हो रही हूँ ये हैं बीफ कबाब। बीफ के कबाब तकरीबन हर घर में ही बनाए जाते हैं, कुछ लोग मटन के कबाब बनाते हैं, कुछ लोग बीफ के कबाब बनाते हैं, तो रेसिपी दोनों की सेम ही है। अगर आपने मेरे चैनल आई कुक इट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलें जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो व्यूअर्स, बीफ शामी बनाने के लिए जो चीज़ हमें सबसे पहले चाहिए, बीफ लिया है हमने 1.5 kg, दाल लिया है हमने एक तकरीबन आधा किलो, ठीक है 1.5 किलो हमारे पास बीफ है और आधा किलो हमारे पास दाल है। इसकी क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। चलें जी बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। प्याज लेंगे हम 3 medium size के। बाकी इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स जाएंगे हमने डालना है नमक 1 tablespoon, लाल मिर्च 1 tablespoon, हल्दी 1 teaspoon, खुश्क धनिया 1 tablespoon, मोटी इलायची, बादियान के फूल, दारचीनी। ये हम लेंगे मोटी इलायची हमने ली है 4 से 5, बादियान के फूल भी लिए हैं 3 से 4, दारचीनी लिए हैं 3 से 4, लौंग लिए हैं हमने 8 से 10 और साबित लाल मिर्चें ली हैं, साथ हमने लिया है तेज़पत्ता। चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ कि किस तरीके से इसे बनाना है। सबसे पहले हम डालेंगे बीफ। कीमे में भी आप कबाब बना सकते हैं बट इस तरह बीफ की बड़ी बड़ी बोटियाँ करा के जो कबाब बनते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। दाल हमने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो ली थी। प्याज मैंने 3 medium प्याज लिए हैं, आप 4 से 5 प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अब हम जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। नमक डालेंगे 1 tablespoon, लाल मिर्च 1 teaspoon, साबित लाल मिर्च 8 से 10, ये गरम मसाले खड़े, तेज़पत्ता, हल्दी, खुश्क धनिया, इन सारी चीज़ों को हम डाल के इसमें तकरीबन हमारे पास 1.5 किलो कीमा, आधा किलो दाल है तो टोटल इंग्रेडिएंट्स हमारे पास 2 किलो हैं। तो पानी इसमें हम ऐड करेंगे 1 liter। जी नीचे चूल्हा हमने चला लिया है कुकर के, इसमें तकरीबन मैं 30 मिनट्स का इसको प्रेशर दूंगी जिसमें गोश्त अच्छे से सॉफ्ट टेंडर हो जाएगा। ये कबाब हम बनाने लगे हैं रेशे वाले, तो रेशे वाले कबाब हमेशा गोश्त के ही बनते हैं, कीमे के नहीं बनते वो कभी भी। को अब हम प्रेशर पे ठहरा देते हैं, आधे घंटे बाद आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स पानी इसका ड्राई हो चुका है, बहुत हल्का हल्का सा पानी है। अब इस पॉइंट में हमने ऐसे करना है, इसमें से मोटी इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी वो सब निकाल लिया लेना है और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देना है, ये 2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब इसको इसी के साथ ही हम पकाएंगे, अदरक लहसुन इसमें पकेगा। जी ये सारी मोटी इलायची, तेज़पत्ता, वो सारी चीज़ें हम निकाल रहे हैं, साथ के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने डाल दिया है, वो इसमें पकता रहेगा, इसको हमने इसमें पकाते रहना है। इसको साथ इस तरीके से हम अच्छे से चम्मच हिलाते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। जी तो वीडियो इसमें कॉन्स्टेंटली हम चम्मच हिलाते रहेंगे, तकरीबन 5 मिनट्स तक हमने इसको पकाना है लहसुन को। इसमें पानी वैसे ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो चुका है, 5 मिनट तक ताकि ये भून जाए, उसके बाद आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये शामी कबाब का मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, पक चुका है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी कच्चापन इसमें ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके नीचे हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और हम इसके थोड़े से ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे, हल्का सा, बहुत ठंडा नहीं करना, नीम गर्म होगा तो इसके बाद जो स्टेप है आपने इसे कूटना है, या तो आप हाथ से भी इसे कूट सकते हैं या फिर आप इसे चॉपर में भी डाल सकते हैं, मैं इसी बर्तन में ही इसे कूट लूँगी। जी आप देख सकते हैं ऑलरेडी ही गोश्त
रेशा रेशा हो चुका है। बाकी मज़ीद इसे हम अभी आपके सामने कूटते हैं गरम गरम ही। कचौपर में डालेंगे तो उसका रेशा टूट जाएगा, फिर वो अच्छे रेशे वाले शामी नहीं बनेंगे। इसमें ही इसे हम कूटते जाएंगे। सॉफ्ट तो ये वैसे भी हो चुके हैं, सॉफ्ट टेंडर सारा कुछ हो चुका है, रेशा भी इसका अलग अलग हो चुका है। इस तरह से ये तरह से फाइन हो जाएंगे। जब तक ये अच्छे से फाइन नहीं हो जाते इसे हम कूटते रहेंगे। ये शामी कबाब को हमने अच्छे से कूट लिया था, इसको हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें डालूँगी मैं सबसे पहले धनिया। धनिया हम इसमें बारीक बारीक काट के डालेंगे। लहसुन ऐड कर दिया है हमने, सब्ज मिर्चें 3 से 4 कूट के इसमें ऐड कर देनी है, और अंडा थोड़ा सा। मेरे से इसे नमक मिर्च कम हो गई थी तो मैंने नमक मिर्च अंडे में ही ऐड कर दी है। अभी इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके कबाब बनाना शुरू करूँगी। मैं तो इसको हाथ पे ही बनाती हूँ। कुछ लोग मोल्ड लेके, मोल्ड के अंदर इसकी फिलिंग करके उसको बना लेते हैं, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जी हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेके तरीके से 1 by 1 हम ये सारे कबाब रेडी कर लेंगे। इसी तरीके से सारे कबाब हम रेडी करके आपको दिखाते हैं फिर। जी तो व्यूवर्स, कबाब हमने रेडी कर लिए हैं, अब हम आपको इन्हें फ्राई करके दिखाते हैं। ऑयल मैंने ऑलरेडी डाल दी है। एग क्योंकि मैंने अंदर ऐड कर दिया था तो अब मैं एग इसके ऊपर नहीं लगाऊंगी। अब हम इनके साइड पलट लेंगे 1 by 1। शामी कबाब को ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना होता, मैक्सिमम 1 मिनट एक साइड से और 1 मिनट अदर साइड से। जी तो शामी हमारे रेडी हो गए हैं, आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाते हैं कि दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं सब शामी। जी तो व्यूअर्स, बीफ शामी कबाब हमारी रेडी हैं। इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपको इसे तोड़ के दिखाते हैं कि किस तरह ये देखें रेशेदार बने हैं। आप अपनी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी और रेसिपी से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।